मांडू या मांडवगढ़ जिले धार के मांडव क्षेत्र में स्थित एक प्राचीन शहर है। यह भारत के पश्चिम मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में स्थित है। यह धार शहर से 35 किलोमीटर दूरी स्थित है। यह 11वीं शताब्दी में मांडू तारागंगा या तरंगा राज्य का उपभाग था। यह परमारों के काल में इसे प्रसिद्धि प्राप्त हुई और फिर 13वीं शताब्दी में यह क्षेत्र मुस्लिम शासकों के अंतर्गत आ गया। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में स्थित होने के कारण इसका सुरक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्व था। आज यह एक पर्यटक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, जहां हजारों की संख्या में सैलानी यहां के दर्शनीय स्थलों जैसे जहाजमहल, हिंडोला महल, शाही इमाम और वास्तुकला के उत्कृष्टतम उदाहरण कर्षक नक्शेदार को देखने के लिए आते हैं। इसकी इंदौर शहर से दूरी 100 किलोमीटर है। सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज सिटी का राष्ट्रीय पुरस्कार मांडू को 2018 में प्राप्त हुआ। इसके दर्शनीय स्थल तारापुर दरवाज़ा, जहांगीर दरवाज़ा, दिल्ली दरवाज़ा, जहाज महल, हिंडोला महल, होशंग शाह का मकबरा, जामा मस्जिद, अशरफी महल, रेवा कुंड, रूपमती मंडप, नीलकंठ महल, हाथी महल तथा लोहानी गुफा है। रानी रूपमती और बाज बहादुर के प्रणय प्रसंगों के गवाह महल उनके कुछ दूर नर्मदा नदी की पतली सी रेखा जहाज महल व हिंडोला महल की अद्भुत कारागरी कुल मिलाकर इतना सब के पर्यटकों को लगेगा कि उनका मांडवगढ़ पहुंचना सार्थक हो गया। मध्य प्रदेश के इंदौर से लगभग 100 किलोमीटर सड़क के रास्ते में मांडवगढ़ जब जाते हैं तो लगता है कि यहाँ के अवशेषों का एक एक पत्थर राजपूत राजाओं और फिर मुगल सम्राटों के वैभव पराभव की कहानी कह रहा है। दूर दूर तक फैला एकांत और रात की निस्तब्धता में जब आप मांडव में रात गुजारेंगे तो ऐसा आभास होगा कि मानो संपूर्ण अतीत मुखर होकर चहल पहल में बदल गया है और नर्तकियों के पैरों व घुंघरों की थाप जहाज महल के स्पर्श पर मुखरित हो रही है। रानी रूपमती महल 365 मीटर ऊंची खड़ी चट्टान पर स्थित इस महल का निर्माण बाज बहादुर ने रानी रूपमती के लिए कराया था। इसी के साथ ही सैनिकों के लिए मांडू की सुरक्षा व्यवस्था पर नज़र रखने के बेहतर स्थान के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता था। कहा जाता है कि रानी रूपमती सुबह उठकर माँ नर्मदा के दर्शन करने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करती थी। अंततः रूपमती के नर्मदा दर्शन को सुलभ बनाने हेतु बाज बहादुर ने ऊंचाई पर स्थित इस महल का निर्माण कराया था। अतीत के इस समृद्ध वैभव को जब आप देखने आ रहे हो
तो कम से कम 2 दिन यहाँ जरूर बिताए। यहाँ से 124 किलोमीटर दूर रतलाम रेल जंक्शन है, जो दिल्ली मुंबई रेल मार्ग का मुख्य स्टेशन है। 100 किलोमीटर दूर इंदौर भी रेल मार्ग से मुंबई व दिल्ली से जुड़ा हुआ है। मांडू के लिए नियमित बस सेवा है। भोपाल, रतलाम, महू, उज्जैन व इंदौर से यहाँ के लिए सीधी बसें भी हैं। इंदौर से टैक्सी सेवाएं भी आपको सरलता से उपलब्ध हो सकती है। पैलेस लॉज और मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के भवन है, जहाँ आसानी से जगह मिल जाती है। तवेली महल, गेस्ट हाउस, होटल रूपमती, साड़ा रेस्ट हाउस और जैन धर्मशाला में ठहरने की बढ़िया व्यवस्था है। लोक निर्माण विभाग व वन विभाग के विश्राम गृहों में भी पर्यटकों के रुकने की अच्छी व्यवस्था है। वैसे तो बरसात के मौसम में मांडू जाने का अलग ही आनंद है, किंतु मार्च से जुलाई तक का समय मांडू जाने के लिए बढ़िया रहेगा। के दर्शनीय स्थलों में जामा मस्जिद, होशंग शाह का मकबरा, मुख्य दरवाजे, अशरफी महल, जहाज महल, हिंडोला महल और बाज बहादुर महल मुख्य रूप से शुमार किए जाते हैं। इन सभी स्थलों की कारागिरी देखकर पर्यटक सम्मोहित हो जाते हैं। इनके अतिरिक्त रेवा कुंड भी अवश्य देखें। इस तालाब में दूरस्थ नर्मदा नदी का पानी संग्रहित करके रानी रूपमती बाज बहादुर एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक प्रेमकथा है। रूपमती मालवा की गायिका थी और सुल्तान बाज बहादुर उनसे प्रेम करते थे। यह अंतरधार्मिक विवाह था। युद्ध प्रेम संगीत और कविता का अद्भुत सम्मिश्रण है यह जादुई प्रेम कहानी। बाज बहादुर मांडू के अंतिम स्वतंत्र शासक थे। रूपमती किसान पुत्री और गायिका थी। उनकी आवाज़ के मुरीद बाज बहादुर उन्हें दोनों परिणय सूत्र में बंध गए। यह तो सर्व स्वीकृत है कि रूपमती अपार सुंदरी थी। उसकी स्वर लहरी बहुत मधुर थी और वह गायन वादन कला में भी पूर्ण निष्णात थी। बाज बहादुर स्वयं भी गायन वादन कला का उस्ताद था। रूपमती के इन्हीं गुणों के कारण वह उसके और आकर्षित हुआ था। करने की व्यवस्था बाज बहादुर ने कराई थी। इसका उपयोग रानी रूपमती द्वारा किया जाता था। 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में बाज बहादुर द्वारा अपने लिए बनवाए गए खूबसूरत महलों के अलावा रूपमती परिसर, निकहत महल, हाथी महल, परिया खान मकरा, दाई का मकबरा, दाई की छोटी बहन का महल, इको पॉइंट आदि इतनी ऐतिहासिक धरोहरें हैं कि इनको देखते हुए आप रानी रूपमती व बाज बहादुर की प्रणय गाथाओं में खो जाओगे। मांडू में ठहरने के लिए सस्ती व अच्छी व्यवस्थाएं हैं। We'll be right back.
का राइट हैंड पर सामने रेड पत्थरों का उधर लेफ्ट साइड पे घोड़े के बीच में, इसको दो नामों से जाना जाता है। फर्स्ट नाम इसका एको पॉइंट और सेकंड नाम इसका दाई और दाई की बहन का महल, दाई की सिस्टर। तो ये जो दाई नाम आप सुन रहे हो, जमाने में लेडीज डॉक्टर को दाई बोलते थे। वो डॉक्टर का ये कहना था, डॉक्टर का ये कहना था कि जब भी हमारी किसी की जरूरत पड़ती है तो हमारे उधर कोई नहीं आएगा, उधर किसी की एंट्री नहीं थी। यहाँ पर एक गुम्मत बना था, देख रहे हो आधा टूटा वाला शहर, वहाँ पर डॉक्टर का एक सिक्योरिटी गार्ड होता था। जब भी डॉक्टर की किसी की जरूरत पड़ती थी उस गार्ड को बोला जाता था, वो गार्ड गुम्मत के अंदर से ही आवाज़ लगाता डॉक्टर को मैसेज देता था। डॉक्टर वहाँ पहुँच जाती थी जहाँ उसको बुलाया जाता था, लेकिन गार्ड जो भी मैसेज देता था, उसका लास्ट शब्द उसका कोड होता था। वो कोड सुनने के बाद में डॉक्टर आगे बढ़ती थी, कोड यूज नहीं होता था तो फौरन समझ जाती थी किसी का गलत मैसेज आया। तो ये उसका पर्सनल टेलीफोन होता था। वो गुम्मत टूट जाने के कारण अपन यहाँ से जो भी आवाज लगाएंगे उसका लास्ट शब्द सामने से रिटर्न होगा, यहाँ से लास्ट पहले सड़क वगैरह थी नहीं, गाड़ी आती जाती तो आने वाली आवाज पहले मैं सुनाता हूँ, उसके बाद में आपने लगाया, ठीक है? हेलो हेलो हेलो, मैं यहाँ से बोलूंगा भारत माता की, आप सब जय बोलिए जोर से, जय केवल जय बोलना, सबकी आवाज रिटर्न होगी एक साथ। ये बाइक निकल जाती है, थोड़ा जोर से बोलना है ना, एक साथ रेडी, भारत माता की जय। हिंडोला महल, हिंडोला महल मांडू की शाही इमारतों में से एक है। इसे होसांग शाह के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। इस महल का उपयोग मुख्य रूप से दरबार के रूप में किया जाता था, जहां राजा बैठकर अपनी प्रजा की समस्याओं को सुनते थे। हिंडोला महल का शाब्दिक अर्थ होता है झूलती जगह। यह महल पुराने समय के राज्यों और शासन की भव्यता का प्रतीक है। हिंडोला महल के निर्माण को करने वाले लोगों ने ही वारंगल किले को इसकी प्रतिकृति के रूप में बनवाया था। मालवा शैली की वास्तुकला वाले इस महल में बाहरी दीवारें मालवा शैली की वास्तुकला वाले इस महल के बारे में कोण पर झुकी है मालवा शैली की वास्तुकला वाले इस महल में बाहरी दीवारें 77 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, जिसके कारण इसे हिंडोला महल कहा जाता है। हिंडोला महल भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण चिन्ह है और इसकी वास्तुकला भी काफ़ी विख्यात है। इतिहास और स्थापत्य कला में उत्साही लोगों के लिए यह स्थल बेहद खास है। यहाँ आकर पर्यटक दरबार की गूंज को समय की रेत में दफन हुआ देख सकते हैं। जहाज महल, जहाज महल मांडू का एक खूबसूरत अच्छी तरह से रखी गई ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह महल दो झीलों कापुर तालाब और मूंज तालाब के बीच बना हुआ है, जो देखने में जहाज के जैसा दिखता है। इस महल को खिजली राजवंश के घिया उद दिन खिजली के द्वारा बनवाया गया था। इस महल में कई फवारे और कैनाल है जिनसे पानी बहता है। इस जगह आसानी से देखा जा सकता है कि राजा अपनी सारी पत्नियों के साथ कितने मज़े से समय बिताते होंगे। इस महल की वास्तुकला में दो मंजिला इमारत, कई खंभे, मेहराब और खपरेल की छत भी बनी हुई है।
यह महल फोटो खींचने के शौकीन पर्यटकों को अवसर प्रदान करता है। यहाँ से झील का मनोरम दृश्य और आसपास बने हुए गार्डन का नज़ारा बेहद दिलकश होता है। इरकबाज लोग यहाँ बैठकर अक्सर उस जमाने में राजा के सुखों के बारे में बात भी किया करते हैं। प्रेम कहानी सुनकर दुनिया भर से प्रेमी जोड़े आते हैं मांडू। रानी रूपमती को राजा बाज बहादुर इतना प्यार करते थे कि रानी रूपमती के बिना कुछ कहे ही वो उनके दिल की बात को समझ जाते थे। राजा बाज बहादुर और रानी रूपमती के प्यार के साक्षी मांडू में 3500 फीट की ऊंचाई पर बना रानी रूपमती का महल किला है। मध्य प्रदेश के मांडू की एक अनोखी प्रेम कहानी आज भी दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ की कहानी के बारे में जानने के बाद इस पर्यटन स्थल को देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक लोग खींच चले आते हैं। वैसे तो मांडू में कई ऐतिहासिक इमारतें हैं, लेकिन रानी रूपमती और बाज बहादुर के महल के बारे में एक अनोखी प्रेम कहानी के चलते यहाँ पर्यटकों की अच्छी खासी भीड़ रहती है। रानी का महल देखने आने वाले प्रेमी जोड़ों को किसी रोक टोक का सामना नहीं करना पड़ता है। खास है महल के 12 दरवाजे। रानी रूपमती को राजा बाज बहादुर इतना प्यार करते थे कि रानी रूपमती के बिना कुछ कहे ही वो उनके दिल की बात को समझ जाते थे। राजा बाज बहादुर और रानी रूपमती शाहजहाँ भी मांडू की हसीन वादियों के कायल थे, पर मांडू की हसीन वादियों को देखना इतना आसान नहीं था, क्योंकि मांडू की हसीन वादियों को देखने के लिए 12 दरवाजों से होकर जाना पड़ता था, और वो दरवाजे कोई आम दरवाजे नहीं थे। उन 12 दरवाजों की खासियत यह थी कि उन दरवाजों को पार करने की दूरी अत्यधिक होती थी। मांडू जगह की खूबसूरती को देखने के लिए जो पहला दरवाज़ा पार करना पड़ता था, उस दरवाजे को दिल्ली कहा जाता था। राजा बाज बहादुर रानी रूपमती की रक्षा के लिए यह सब करते थे, इसलिए शायद आज भी रानी रूपमती के किले को राजा बाज बहादुर और रानी रूपमती की प्रेम कहानी का प्रतीक समझा जाता है। यही वह
यही वजह है कि प्रेम के प्रतीक को देखने और प्रेम की जन्म जन्म की कसमें खाने के लिए दुनिया भर से पर्यटक मांडू पहुंचते हैं। मांडू में राजा बाज बहादुर रानी रूपमती के महल के अलावा भी कई धरोहरें देखने लायक हैं। यहाँ पर्यटन का मूड बना रहे तो कम से कम 2 दिन और 1 रात का प्लान बनाना चाहिए। मांडू के खंडहरों में कई बड़े बैनर आकर काम कर चुके हैं। दिल दिया दर्द लिया, किनारा, जीने नहीं दूंगा, कठपुतली, वांटेड, दबंग 3, यमला पगला दीवाना, फिल्मों के अलावा और भी कई वेब सीरीज नाटकों का फिल्मांकन यहाँ पर हो चुका है। श्री राम मंदिर में विराजित राम जी की प्रतिमा चतुर्भुज स्वरूप में है। कहा जाता है कि पूरे विश्व में एकमात्र पुरातन प्रतिमा है। चरण पीठ के नीचे प्रतिमा का निर्माण विक्रम संवत 957 की अंकित है। मान्यता है कि विक्रम संवत 1823 में महंत रघुनाथ दास जी महाराज पुणे महाराष्ट्र को भगवान श्री राम ने चतुर्भुज स्वरूप में स्वप्न दिया और कहा कि मांडू स्थित पूर्व दिशा में गुलर के पेड़ के नीचे भैरव बाबा की प्रतिमा है। प्रतिमा के नीचे तलघर में उसमें मेरी चतुर्भुज स्वरूप की प्रतिमा है। महंत महाराज भ्रमण करते हुए पुणे से मांडू आए व उस गुलर पेड़ की खोज कर स्वप्न में दिए दिशा व चिन्ह मिलने पर महारानी शकुबाई पवार धार से मिले। महारानी ने मांडू आकर महंत द्वारा बताए स्थान पर खुदाई करवाई। इसमें चतुर्भुज श्री राम माता जानकी लक्ष्मण जी हनुमान व सूर्य देवता के साथ ही जैन मंदिर में स्थापित शांतिनाथ भगवान की प्रतिमाएं तलघर से मिले। महारानी ने विक्रम संवत 1823 में मंदिर निर्माण कर प्रतिमा को स्थापित किया। ऐसा बताया जाता है कि इन प्रतिमाओं को मुस्लिम शासकों से बचाव के लिए तात्कालीन संतों या महंतों द्वारा तलघर में रखा दिया गया होगा।